जीएन भारत जन जन तक। सैनिकों का दल मशाल लेकर पाकुड़ पहुंचा। जिले के पदाधिकारियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। कार्यक्रम के उपरांत परिसदन परिसर में सभी गणमान्य द्वारा वृक्षारोपण किया गया। गंगा जागरूकता के उद्देश्य से यात्रियों के दल द्वारा गंगा तटों पर मशाल यात्रा किया जा रहा है। गंगा मशाल लेकर आए दल समेत सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सैनिकों का दल मशाल लेकर पाकुड़ पहुंचा। जिले के पदाधिकारियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। कार्यक्रम के उपरांत परिसदन परिसर में सभी गणमान्य द्वारा वृक्षारोपण किया गया। गंगा जागरूकता के उद्देश्य से यात्रियों के दल द्वारा गंगा तटों पर मशाल यात्रा निकाली जा रही है। काली भसाड़ घाट में रविवार को हुए कार्यक्रम काली भसाड़ घाट पाकुड़ में गंगा जागरूकता के उद्देश्य से यात्रियों के दल द्वारा गंगा तटों पर मशाल यात्रा किया जा रहा है। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम के तहत जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन और पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार द्वारा सैनिकों के दल का स्वागत किया गया। ये गंगा मशाल को काली भसाड़ घाट लाया गया। जहां विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस क्रम में उपस्थित लोगों को गंगा तटों को साफ सुथरा रखने, यहां रहने वाले लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने, अपने घरों में गंदा पानी के निपटारा के लिए सोखता गड़ा बनाने, शौच के लिए शौचालय का उपयोग करने, सिंगल उपयोग की वस्तुओं का उपयोगी निपटारा करने एवं दोबारा उसका उपयोग न करने, केमिकल मूर्तियों का विसर्जन गंगा में ना करने की शपथ दिलाई गई। अभी जो हमारा प्रोग्राम है ये तो मशाल यात्रा है। ये मशाल यात्रा बेसिकली जनजागरण का अभियान है। इसमें हम लोगों से मिलके उन नदियों की महत्व के बारे में उनको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत बहुत वृहद तौर पर अभियान चल रहा है, जिसमें जन जागरण के अलावा जो मैंने अभी पहले कही बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन है, रिवर बैंक स्टेबलाइजेशन है, बहुत सारे जो हमारे नदियों में जो गिरने वाला जो कचरा है या कह लीजिए बाकी जो घरों से निकलने वाला है उसको टैप किया जा रहा है। तो बहुत सारी ये जो योजना है या कह लीजिए जो अभियान है बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो उसका एक हिस्सा है वो खाली जन जागरण का हिस्सा है मशाल यात्रा के माध्यम से। परपज यही है कि लोगों के दिलों में ये भावना पैदा करना कि हमारे नदियाँ खासकर गंगा या उससे जुड़ी हुई जितनी भी नदियाँ हैं उनका हमारे जीवन में हमारे भविष्य के लिए कितना महत्व है। जिस दिन ये नदियाँ नहीं रहेंगे या प्रदूषित हो जाएंगी पूरी तरह से हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही मैसेज हम जाके जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम लोगों से बात कर रहे हैं। हम लगभग 5 राज्यों से होकर गुजर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। तो हम इन राज्यों में जगह जगह पर रुक के लोगों से यही बात कर रहे हैं कि नदियाँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। गंगा की स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना होगा कि अभी बहुत सारा काम हमें करने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों के जन चेतना में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है और जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ समय में हमारी नदियाँ अविरल हो जाएंगी और उनका पुनरुत्थान फिर से हो जाएगा। इसके अलावा काली भसाड़ में ही गंगा मशाल लेकर आए दल समेत सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।